आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली है क्या? एज अ नेम इंडिकेट ऑफ द लॉ दैट कंजर्वेशन, आप सभी मेरा ख्याल है वर्ड कंजर्वेशन से वाकिफ होंगे कि वर्ड कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, कि कोई चीज़ कंजर्व हो जाना, महफूज हो जाना। ठीक है, तो अब लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्व होना। अब जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसकी, तो हमें ज़्यादा समझ आएगा कि क्या बात हो रही है इसमें और किस हवाले से बात हो रही है। क्योंकि चैप्टर का नाम केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो हम इस चैप्टर में डिफरेंट लॉस पढ़ने, जिनकी बेसिस पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कुछ लॉस होते हैं जिनकी बेसिस पे कोई भी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री की फील्ड में अकर होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में चार बेसिक लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनकी बेसिस पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था, साइंटिस्ट थे लवोइजर, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसकी स्टेटमेंट क्या है, जिसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसके बेसिकली दो स्टेटमेंट है, दोनों समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि मास यानी कि मैटर, मास या मैटर, मादा जिसे आप कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजन हो या जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना तो वो कभी ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि मिसाल इसकी कि मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है, मुझे कोई इमारत बनानी है, मुझे कोई घर बनाना है, तो मुझे उसको बनाने के लिए भी इटसेल्फ मैटर की ज़रूरत है ना, मुझे ब्रिक्स की ज़रूरत है, मुझे सीमेंट की ज़रूरत है, तो ही जाके वो इमारत कंस्ट्रक्ट होगी। तो मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनिशियल से रेती बजरी भी बनाऊँ और फिर वो मिट्टी भी बनाऊँ। तो मैटर, हर किस्म का मैटर, हर किस्म का मास इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हम उसी की मदद से कोई नया मास बनाते हैं। अब इन्होंने बोला मास या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे कि मैं मादा में मैटर बना नहीं सकती, वैसे मैं मैटर को ख़त्म भी नहीं कर सकती। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये हमारा ख़त्म हो जाए, टूट जाए यहाँ से, मैं टूट दूंगी, लेकिन इसके रुइंस, इसके खंडरात यही रहेंगे, वो बिल्कुल फिनिश इनिशियल से ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया कि दुनिया में जितना भी मैटर है, ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, हम उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। आज को ये घर है, कल को मैं सारी ये घर ना हो तो मैं इसको रुइंस में ज़रूर कन्वर्ट कर सकती हूँ, यानी कि मैंने मैटर की शक्ल तब्दील कर दी, लेकिन मैंने मैटर को इटसेल्फ ख़त्म नहीं करा है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बात ये बताई कि हम ना मैटर बना सकते हैं और ना हम मैटर ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने, दूसरे स्टेटमेंट की जो था इनका, वो ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर का जो इनिशियल वेट होता है वही केमिकल रिएक्शन के बाद रहता है। ठीक है, लाइक मैंने दो चीज़ों को रिएक्ट करवाया आपस में, उनका पहले जो वेट था 18 ग्राम था, वो रिएक्ट होकर बाद में कोई और सब्सटेंस बना, लेकिन ये नहीं कि वो जो दूसरा सब्सटेंस बना वो जो है 18 ग्राम का हो गया, पहले 10 ग्राम का था और बाद में 18 ग्राम का हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो उसने अपनी शक्ल तब्दील करी, उसने अपनी फॉर्म तब्दील करी, वो कोई और कंपाउंड बन गया, लेकिन उसका मास जो था वो रिमेन सस्टेन रहा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल यानी कि प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। इस लॉ की जो प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन की थी वो लैंडॉर्ड ने की थी, जब ही इसका नाम लैंडॉर्ड एक्सपेरिमेंट पड़ गया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ट्यूब ली, एच शेप ट्यूब, जिसकी दो लिम्ब थी, लिम्ब ए एंड लिम्ब बी। इन्होंने लिम्ब ए में AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट फिल करा। ठीक है, दूसरी लिम्ब में इन्होंने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करा। इन्होंने क्या करा, दोनों लिम्ब्स में सेम अमाउंट ऑफ HCl और सेम अमाउंट ऑफ AgNO3 डाला और फिर उसको एग्जैक्ट लिम्ब को ऊपर से सील कर दिया, यहाँ से सील कर दिया, यहाँ से सील कर दिया, ताकि जो भी अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस डालें वो बाहर ना जा सकें, और उसको एग्जैक्ट ऐसे ही उठा के उसका वेट कर लिया, और इस तरीके से वेट करा कि आपस में वो दोनों सब्सटेंस शेक ना हो, मिल ना जाए। जो उन्होंने वेट करा उन्होंने वो अपने पास नोट कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इस ट्यूब को लेकर अच्छे तरीके से शेक कर दिया। जब इस ट्यूब को अच्छे तरीके से लेकर शेक कर दिया तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिल गए। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि इन दोनों सब्सटेंस में जो रिएक्शन हुआ उसकी मदद से इनके इनमें पिपिटी फॉर्म हो गए, जिन्हें मैं हमें उर्दू में फुटकरी कह सकती हूँ। ठीक है, तो उसने देखा कि इनमें पिपिटी फॉर्म हो गए। अब वो थी कोई नई चीज़, अब वो क्या नई चीज़ बनी थी, बेसिकली AgNO3 और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो Ag का रिएक्शन HCl के साथ हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, जिसको हम ल्यूनर कास्टिक भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। और साथ में H का NO3 के साथ रिएक्शन हो गया, उसने नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म कर दिया। तो बनी दो मुख्तलिफ चीज़ें जिसकी वजह से AgCl के पिपिट फॉर्म हो गए। लेकिन उसने क्या करा, उसने जब इनको शेक करने के बाद इनका दोबारा वेट करा तो उसने देखा एग्जैक्ट वही वेट था जो रिएक्शन से पहले था। ऑल दो इट सीम्स लाइक कि इसमें पिपिटी फॉर्म हुए हैं तो कोई मोटी चीज़ है तो ये शायद इसका वेट गेन हो जाए,
तो इसके इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि मैटर ने अपनी शक्ल तो तब्दील की, पहले पीपीटी नहीं थे, बाद में पीपीटी फॉर्म हो गए, लेकिन एडिशनल उसने कोई चीज़ तो नहीं डाली थी उसके अंदर, उसने सील कर दी थी ट्यूब ऊपर से, तो एडिशनल उसमें ना मैटर आया और ना मैटर गया। ऑल दो मैटर ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, रिएक्ट करके दो डिफरेंट सब्सटेंसेस बना लिए, लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर उसमें सेम रहा। तो लैंडॉट ने इसके एक्सपेरिमेंट को सेकेंड करा, प्रूव करा विद प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मैटर रिमेन सस्टेन, रिमेन कंजर्व, वी कैन नॉट क्रिएट इट फ्रॉम इनिशियली एंड नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय।